नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 2014 के एग्जाम का है इट सेज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय अ फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन इन द डायग्राम द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम टी इंटरवल फ्रॉम 0 टू 8 सेकंड विल बी ऑप्शन हैं छः न्यूटन सेकेंड बारह न्यूटन सेकेंड बीस या चौबीस न्यूटन सेकेंड ना ये बात हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उससे हम कह सकते हैं कि डी पी बाय डी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन एज फोर्स और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डी पी इज़ नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम इज़ नथिंग बट एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ तो चेंज इन मोमेंटम विल बी नथिंग बट एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ तो हमें बस इसका एरिया निकालना है ना इसका एरिया पहले तो ये वाला पॉजिटिव एरिया आएगा ये भी पॉजिटिव एरिया होएगा ये वाला नेगेटिव एरिया होएगा तो इसमें से इसको ये दोनों ऐड करने हैं और ये वाला माइनस करना है और ये रिजल्ट हमें फाइनल आंसर दे देगा राइट तो दे ऑन दिस हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम विल बी एरिया सो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई ये साइड मल्टीप्लाइड बाई ये साइड सो मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्स ये हो गया प्लस पहले इसका एरिया लिख रहे हैं हम ये एरिया आएगा दिस इज़ फोर माइनस एट इज़ फोर सॉरी एट माइनस फोर इज़ फोर एंड दिस इज़ थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री माइनस ये वाला एरिया सो दिस इज़ थ्री एंड दिस इज़ टू माइनस थ्री इंटू टू सो इसको अगर हम करेंगे तो हो गया छः प्लस बारह माइनस छः तो अपना ऑप्शन आ गया बारह सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकें यानी कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर